निकले। ये है क्रैंक का मार्क बिंदी, और ये जो लाइनिंग है ये है केम की, और ये पंप का जो दाता है इधर, हाँ ये है पंप का दाता, और ये है टाइमिंग चैन। इसको लगाने का तरीका यही है, इसको अगर इसमें पहले तो चैन में मार्क आता है ऐसे करके, मार्क आता है 13-13 का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ 13, यहाँ से लेकर यहाँ 13, और जो बचता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर 19। लेकिन अगर ये मार्क ना हो तो यहाँ से गिनते हैं, ये जो बिंदी है यहाँ से आधा रखना है, ना इधर रखना है ना इधर रखना है, बीच में रखना है, इस बिंदी के इस चैन के बीच में रखना है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये मार्क इसमें बीच में होना चाहिए, ये आगे 13 यानी 13, फिर आगे गिनना है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस बिंदी से इस कलर के बीच में या इस चैन के आधे के बीच में 26 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इधर 26 होना चाहिए, बाकी ये जो पंप का जो गियर है और क्रैंक से यहाँ तक 19 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 होगी, यानी यहाँ से और यहाँ तक केम के क्रैंक के और पंप के गियर से 19, यहाँ से और क्रैंक के और केम से 13, और यहाँ तक 13, इतनी होना चाहिए। और ये एडजस्टर है जो लुब्रिकेट करता है, ये पूरा दबा होना चाहिए। उसके बाद एलेंकी, ये 13 नंबर टाइट करके हल्का सा एलेंकी लगा के इसको जहाँ भी एडजस्ट करना है ऐसे करके टाइट कर देते हैं, ऐसे घुमाएंगे इसको टाइट, जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। ये इसकी टाइम भाई, चैन लगाने का तरीका ये होता है।